कॉर्पोरेट गवर्नेंस देखिए कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है कि ग्रुप ऑफ कंपनीज लार्ज कंपनी ठीक है और गवर्नेंस का मतलब कि कैसे कंट्रोल किया जाता है किसी चीज को हाउ यू गवर्न समथिंग यानी कि कैसे आप रूल करते हो कैसे आप रेगुलेट करते हो कैसे आप कंट्रोल करते हो किसी चीज को तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या हो गया कि कॉर्पोरेट को यानी कि कंपनीज को बिजनेस इंटरप्राइज को कैसे आप गवर्न करते हो कैसे आप चलाते हो कैसे आप रूल करते हो रेगुलेट करते हो तो वही चीज़ कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गई तो किस तरीके से इंटरप्राइज को डायरेक्ट किया जाता है कंट्रोल किया जाता है वो चीज़ क्या कहलाएगी कॉर्पोरेट गवर्नेंस यानी द वे इन विच इंटरप्राइजेस आर डायरेक्टेड और कंट्रोल्ड क्लियर तो इसको आप डिफाइन कर सकते हैं कि द कॉम्बिनेशन ऑफ रूल प्रोसेस और लॉज बाय विच बिजनेस आर ऑपरेटेड रेगुलेटेड एंड कंट्रोल बाई बिजनेस को रन करना है ऑपरेट करना है रेगुलेट करना है कंट्रोल करना है तो उसके लिए आप रूल प्रोसेस या लॉज तो बनाएंगे ही उसको फॉलो करेंगे तो उसी को हम क्या कहते हैं कॉपरेट गवर्नेंस कहते हैं तो द टर्म इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ए कंपनीज स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग शेयर होल्डर कस्टमर सप्लायर गवर्नमेंट रेगुलेटर्स एंड मैनेजमेंट यानी कि इस टर्म में कॉपोरेट गवर्नेंस में सभी लोग को इंक्लूड कर दिया है यानी कि इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर को इंक्लूड होता है जो है, कि इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स को अफेक्ट करते हैं यानी कि स्टेक होल्डर कौन जो उस कंपनी से जो उस कॉर्पोरेट से रिलेटेड होते हैं वो शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं उस कंपनी के शेयर परचेज करके रखे हैं वो कस्टमर हो सकते हैं उसके प्रोडक्ट परचेज करते हैं वो सप्लायर हो सकते हैं उसके लिए रॉ मेटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं वो गवर्नमेंट हो सकते हैं जो रूल रेगुलेशन टैक्सेस इकट्ठा कर रही है और फिर वो मैनेजमेंट हो सकता है यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एम्प्लॉई सी ये सब हो सकते हैं तो कहीं ना कहीं इन सब पे इंपैक्ट पड़ता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का अगर किसी कंपनी का किसी कॉर्पोरेट का ऑर्गेनाइजेशन का गवर्नेंस अच्छा है गुड कॉर्पोरेट गुड गवर्नेंस है तो फिर वहां पर इंपैक्ट पड़ेगा वो पॉजिटिव पड़ेगा इन सभी पे। अगर बैड इंपैक्ट है तो इन सभी पर निगेटिव पड़ेगा आप देखते होंगे बहुत सारे निकलते हैं कि कुछ कंपनी में फ्रॉड हो जाता है तो अगर जब कंपनी में फ्रॉड होता है ना तो कंपनी में फ्रॉड होने से वहां के सभी लोगों पर इंपैक्ट पड़ता है यहां तक कि कस्टमर्स का बैंक कोई भाग गई तो कोई बैंक का कोई जो है पैसा लेके भाग गया तो कस्टमर के पैसे डूबते हैं कंपनी का पैसा डूबता है और जो है गवर्नमेंट को लॉस होता है गवर्नमेंट का निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है तो ये बैड गवर्नेंस होता है तो इसीलिए कहा जाता है कि गुड गवर्नेंस होना चाहिए यानी कि सभी काम रूल रेगुलेशन लॉज के अकॉर्डिंग होना चाहिए एथिकल होने चाहिए तो जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है इट क्रिएट अ सिस्टम ऑफ रूल एंड प्रैक्टिस दैट डिटरमाइन हाई कंपनी ऑपरेट्स यानी कि ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या करता है ये रूल और प्रैक्टिस को डेवलप करता है बनाता है जिससे कि कैसे कंपनी ऑपरेट होगा उसको डिटरमाइन किया जा सकता है आप देखते होंगे बहुत सारे लॉज बने हैं तो लॉज क्यों बनाए गए हैं लॉज इसीलिए बनाए गए हैं कि आपको इस तरीके से काम करना चाहिए तो आप सही काम करेंगे नहीं तो फिर आप गलत काम करेंगे तो आपको इसको उसके लिए भी आपको पनिशमेंट भी मिलेगा तो कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है ना वो प्राइमरी फोर्स होते हैं इन्फ्लुएंसिंग कॉपोरेट गवर्नेंस जो कॉपोरेट गवर्नेंस है भाई रूल रेगुलेशन लॉज सभी के लिए बनाए गए हैं सबको पता है कि क्या रूल है क्या रेगुलेशन है लेकिन उसको फॉलो करवाना किसका काम होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का तो कॉपोरेट में कंपनी में जो रूल रेगुलेशन होते हैं लॉज होते हैं उसको फॉलो करवाने का काम किसका है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का बी ओडीज कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इनको देखना होता है इनको चेक करना होता है कि रूल रेगुलेशन जो है सभी तरीके से फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही है वो एथिकली परफॉर्म किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जो बेसिक प्रिंसिपल होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का यानी कि किसी भी कंपनी का गवर्नेंस अच्छा है या बुरा है वो आप जो है इन चार चीज़ों से जान जा, जान सकते हैं अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी फेयरनेस एंड रिस्पांसिबिलिटी यानी कि अगर किसी कॉर्पोरेट में कंपनी में अकाउंटेबिलिटी है यानी कि जवाबदेही है तो वहाँ पर अकाउंटेबिलिटी है यानी वहाँ की गवर्नेंस अच्छी है ट्रांसपेरेंसी है यानी जो भी काम हो रहा है वो ट्रांसपेरेंसी है सभी को पता है कि कैसे कैसे क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म किए जाते हैं कोई भी चीज़ छुपा नहीं हुआ है ठीक है तो वहाँ पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस स अच्छा हो सकता है फेयरनेस फेयरनेस मीनस कि आप जो है वहाँ पे सभी को इक्वल ट्रीटमेंट कर रहे हैं कोई भी फेवरेटिज्म नहीं कर रहे हैं कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं चाहे वो कास्ट के बेसिस पे हो चाहे वो जेंडर के बेसिस पे हो या फिर आपके जानने वाले हो रिलेशन के बेसिस पे हो आप कोई भी वहाँ पे फेवरेटिज्म नहीं कर रहे हैं या फिर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। जो जिसके काबिल है आप उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीट करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि सभी को रिस्पॉसिबिलिटीज़ पता है कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कोई ये नहीं कह सकता कि ये तो मेरा काम नहीं था तो फिर वहां पर कॉरपोरेट गवर्नेंस अच्छा होगा लेकिन अगर कोई कहता है कि ये तो मेरा काम नहीं थे तो उनका काम था मतलब कोई रिस्पांसिबिलिटी लेने को तैयार ही नहीं है कि अगर कोई गलती हो भी जाती तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लेने को तैयार नहीं है तो यहाँ पर कॉरपोरेट गवर्नेंस पुअर है बैड है तो बैड कॉरपोरेट गवर्नेंस कैन कास्ट डाउट ऑन ए कंपनीज ऑपरेशन एंड इट्स अल्टीमेट profitability यानी कि अगर corporate गवर्नेंस किसी भी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का इंटरप्राइज का पुअर है ख़राब है तो वो उसकी वजह से कंपनीज ऑपरेशन पे डाउट आ सकता है और अल्टीमेटली उसकी profitability पे भी डाउट आएगा यानी कि ये कंपनी खराब करे जैसे कि आपने देखा होगा मैगी में ये केस आया था कि मैगी में जो है कुछ मिलाया जाता है जो कांच टाइप का होता है तो इससे क्या पड़ा इससे इम्पैक्ट क्या पड़ा कि मैगी के प्रोडक्ट्स को जो है परचेज़ कम करने लगे और इससे उसकी प्रॉफिटबिलिटी पर जो है कही कहीं ना कहीं डाउट हुआ और कंपनी के ऑपरेशन पर भी डाउट हुआ क्लियर तो इससे जो है आपको देख रहा होता किसी बैंक में धानलेबाजी हो जाती है तो उस बैंक में अगर कोई धांधलेबाजी हो गई ना फ्रॉड हो जाता है तो फिर जो है उस बैंक के जो कस्टमर्स होते हैं जिन्होंने अपना अकाउंट ओपन कर रखा था उनके मन में फिर कहीं ना कहीं डाउट आने लगता है कि पता नहीं ये कंपनी सही है कि नहीं है बैंक सही है कि नहीं है अभी डूब गई तो क्या होगा तो फिर कहीं ना कहीं उससे निगेटिव इंपैक्ट और इकोनॉमी को भी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है तो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस हेल्प कंपनीज बिल्ड ट्रस्ट विद इन्वेस्टर एंड द कम्युनिटी और अगर आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है तो इससे क्या होता है कि इससे जो है कंपनी ट्रस्ट बिल्ड करती है वो इन्वेस्टर्स के साथ कम्युनिटी के साथ कम्युनिटी मीन्स पीपल कस्टमर एम्प्लॉई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सीईओ सभी के साथ जो है एक अच्छा आ, ट्रस्ट जो है बिल्ड होता है तो हमेशा जो है कंपनीज़ को कॉपरेट को गुड गवर्नेंस के अकॉर्डिंग चलना चाहिए यानी रूल रेगुलेशन लॉज को फॉलो करना चाहिए ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी फेयरनेस और रिस्पांसिबिलिटी होनी चाहिए तो कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं कॉरपेट गवर्नेंस के यानी कि अगर आप ये प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपका कॉरपोरेट गवर्नेंस अच्छा होगा यानी कि आप गुड गवर्नेंस में आएंगे तो सबसे पहली चीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स यानी कि जितने भी उस कंपनी से इंटरप्राइज से जुड़े लोग हैं सभी के डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है वो रूल रेगुलेशन या फिर जो भी आपके प्रैक्टिस हैं वो इस तरीके से हैं कि आप जो है सभी स्टेक होल्डर्स के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं तो आपका कॉरपोरेट गवर्नेंस अच्छा होगा इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ यानी कि जो भी वेल्थ जनरेट हो रही है चाहे वो मनी टर्म्स में हो चाहे वो आपके आ, जो भी आपने बिल्डिंग है मशीनरी है इन सभी चीज़ों को इंक्लूड कर रहे हैं तो उसका सही तरीके से मैनेजमेंट होना चाहिए और हो, सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए अब यानी कि आपने मशीनरी खरीद ली उसको सही से आप यूज़ नहीं कर रहे हो उसका मेंटेनेंस नहीं कर रहे हो तो वो भी क्या है वेल्थ का नुकसान है यानी कि आप कहीं ना कहीं सही तरीके से काम नहीं हो रहा है डिस्चार्ज आप सोशल रिस्पॉसिबिलिटी यानी कि जो भी सोशल रिस्पॉसिबिलिटी है आपकी कॉर्पोरेट की कंपनी की इंटरप्राइज की उसको भी आप सही पे सही तरीके से पूरा कर रहे हैं उसमें कोई भी नहीं कर रहे हैं एप्लीकेशन बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस यानी कि जो सबसे अच्छा प्रैक्टिस किया जा सकता है मैनेजमेंट के टर्म में वो आप जो है कर रहे हो यानी कि मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट आप दे रहे हो बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस का मतलब क्या हो गया कि आप जो है कम से कम में अच्छा से अच्छा आउटपुट निकाल के दे रहे हैं तो दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस कॉम्प्लियंस ऑफ लॉ इन लेटर एंड स्प्रिट यानी कि आपको लॉ को लेटर यानी कि इन रिटर्न भी आपको फॉलो करना है और साथ ही साथ स्प्रिट यानी कि इनहेरिट पे करना है कि इज अ लॉ को ये नहीं कि खाली दिखाने के लिए फॉलो कर नहीं आपको अंदर से फॉलो करना चाहिए और लास्ट इज एडहरेंस टू एथिकल स्टैंडर्ड यानी कि जो भी एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं उसको आप फॉलो कर रहे हो एडहर कर रहे हो ठीक है उसको फॉलो कर रहे हो उसको अमल अमल में लाते हैं यानी कि खाली दिखाने के लिए आपने लगा दिया लिस्ट की है ये हम ऐसा करते हैं हम ऐसा करते हैं फॉलो एक भी नहीं कर रहे हो ऐसा नहीं होना चाहिए तो ये प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है विश यू ऑल द बेस्ट कीप वाचिंग